संत परंपरा 18,000 ऋषियों की इस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपका आह्लादित होकर के स्वागत अभिनंदन और आपको प्रणाम करते हैं। आशा है नए साल में वह प्राच्य परंपराएं पुनः जीवित होंगी, वह प्राच्य परिपाटियां आपके द्वारा संरक्षित होंगी, क्योंकि आप तो सब जानते हैं साधु समाज और जो साधु समाज की परंपराएं हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हम आंध्र प्रदेश आए हूँ, 30 वर्ष हो गए जी। यहाँ पर 13 वर्ष मैंने सीखा था वो पद का, अब तो अब मालूम कर रहा है। विश्वविख्यात में नई चरण लिखा है, लेकिन आपका हाथ से अब विख्यात और ज्यादा बने हो जा रहे हैं। तो हमारा बड़े बड़े लोग बोलते थे नहीं, मुझे ऐसा आया है आदमी में आया है, यहाँ कुछ सुविधा नहीं बोलते थे। अभी आपका हाथ में नई चरण आया है और विख्यात हो रहा है सब राष्ट्र में। हमारा आंध्र तेलंगाना सब लोग नहीं, योगी जैसे ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए सब राष्ट्र में बोल रहे हैं। जब जय श्री बलदेव आदेश। मैं आदि चुनचुन के महासंस्थान मठ से हूँ। ये जो आपके चरणों में प्रथम शास्त्रांग दंडवत प्रणाम। दूसरे नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के आपके वजह से दक्षिण भारत में जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नैमिषारण्य के बारे में किसको मालूम नहीं, लेकिन जब से आपने यहाँ का डेवलपमेंट किया है तब से यहाँ हर जगह नैमिषारण्य के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो नैमिषारण्य का डेवलपमेंट बहुत सुंदर हो रहा है आपके सानिध्य में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के चरणों में सादर प्रणाम। मैं मनीष शास्त्री महंत से सूत गद्दी मंदिर से हूँ, जहाँ सूत महामुनि ने स्वर्ण आदि 88,000 ऋषि मुनियों को मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए समस्त पुराण शास्त्रों की ज्ञान गंगा में स्नान कराया था। श्री सत्यनारायण व्रत कथा जिसके कारण नैमिषारण्य पूरे विश्व में विख्यात है, इस व्रत पूजन के विधान को भी महर्षि सूत जी ने इसी पवित्र भूमि में बैठ करके स्वर्ण आदि ऋषियों को श्रवण कराया था। दास वही का प्रतिनिधित्व करता है और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है कि आप जैसे ये ओजस्वी संत हमारे मुख्य प्रदेश की मुखिया है, इसको विचार करके हम गौरवान्वित होते हैं और हमारे नैमिषारण्य का चतुर्मुखी विकास होगा, इसको लेकर हम पूर्ण आशान्वित हैं। सादर जय श्री कृष्ण प्रणाम। जय श्री राम। नैमिषारण्य में आप श्री का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं व्यास गद्दी पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आया हूँ और उनके प्रतिनिधित्व में पूरे देश प्रदेश के प्रतिनिधित्व में आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहना करते हुए और नैमिषारण्य के बारे में तो सर्व कुछ आप जानते हैं, स्वयं बोलते हैं, इस भूमि में आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारी तरफ से आपको वंदन है। जय श्री राम। मैं शैलेंद्र शास्त्री व्यास गति आश्रम उन व्यास जी महाराज के चरणों में रहता हूँ, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को चार वेद, अष्टादश पुराण, गीता आदि प्रदान किए हैं। उस भूमि से